भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मुकाबले भारतीय टीम के लिहाज से काफी ज्यादा शानदार है। खेल के तीसरे दिन जहां भारतीय पारी डगमगाती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं मुश्किल परिस्थिति में शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पानी पिला दिया। वहीं उनके तूफानी शतक को देखने के बाद खुद सचिन तेंदुलकर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी सलाम करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आप भी शुभमन गिल की शतकीय पारी से खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। खेल के दूसरे दिन तक भारतीय टीम ने दूसरी पारी में करीब 20 से ज्यादा रन बना दिए थे, लेकिन शुरुआत तीसरे दिन की भारतीय टीम के लिहाज से खराब रही। पहले रोहित शर्मा 13 रन के स्कोर पर, उसके बाद जायसवाल 17 रन बनाकर एंडरसन की गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद मोर्चे को संभाला शुभमन गिल ने। शुरुआत से ही अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाया। अय्यर ने उनके साथ तो दिया, लेकिन एक बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो सके। अय्यर 29 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन शुभमन गिल अपना मोर्चा संभाले रखा। रजत पाटीदार 9 रन के स्कोर पर आउट हो गए। भारत ने 122 पर 4 विकेट खो दिए थे, लेकिन अक्षर पटेल के साथ शुभमन गिल की शानदार साझेदारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। दोनों की बल्लेबाजी का यह आलम रहा कि हमारी टीम 200 के पार पहुंच गई। शुभमन गिल 132 गेंद में शतक पूरा किया और 104 रन बनाकर आउट हुए, तो अक्षर पटेल ने भी 45 रन का योगदान दिया। दोनों की बल्लेबाजी के चलते यहां तक भारत ने करीब 370 रन की लीड इंग्लैंड के ऊपर चढ़ा दी थी। भारत और अश्विन क्रीज पर थे, लेकिन शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखने के बाद सचिन तेंदुलकर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी तो शर्मनाक रही दूसरे टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में, लेकिन शुभमन गिल की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। यह कैसे बल्लेबाज की हम सभी को जरूरत होती है जो टीम इंडिया के लिए मुश्किल परिस्थिति में रन करे, और शुभमन गिल ने यह शानदार शतक मार कर यह साबित कर दिया है कि उनके अंदर अलग ही टैलेंट है। खिलाड़ी मुश्किल दौर से कभी कभी गुजर जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उसकी काबिलियत पर शक करना चाहिए। वह भविष्य में काफी ज्यादा आगे पहुंचने वाले खिलाड़ियों में से एक है। उनकी बल्लेबाजी मुझे हमेशा से पसंद रही थी और आज उनकी शतक की बदौलत ही भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुँची है। इसलिए शुभमन गिल के आलोचकों को मैं मुंहतोड़ जवाब देना चाहता हूं, आगे से किसी खिलाड़ी पर ट्रोल करने से पहले अपने बारे में भी जान लेना चाहिए। इस तरह से सचिन ने अपनी बात कही। लेकिन आप सभी शुभमन की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताएं।